chapter, chapter 12, what if it faces. So, students, today topic is resources. Students, in this chapter, the basis of resources. ये जो chapter है बच्चों, क्या है resources पे? ये सब resources जो हमारे दो तरह के होते हैं, मैं आगे बताऊंगी आपको, उस पे आधारित है. जिस इस चैप्टर में हम पेट्रोल और डीजल के बारे में क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं इनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स हैव यू ऑल सीन विंड मिल. क्या आपने विंड मिल को देखा है? डू यू नो व्हाट दे आर यूज फॉर. क्यों उसका यूज किया जाता है? Windmill are a big spinning fan like structure that spin around when the air wind blows. Windmill जो है स्पिन वाला स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पंखे होते हैं और वो क्या होता है जो उसके आसपास जो हवा की ब्लो करती है उसको वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है. तो ये भी क्या है? इससे उससे गुजर जाता है. Now students, windmill are used to change the air energy into the electricity that we use for our houses. जिसको हम अपने घरों में यूज करते हैं लाइट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी. और भी सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल रूप में आपको ये बताया मैंने windmill खड़ी करके. Now students, are you thinking how this help us? Or let's know more about it in the this chapter. अब और भी resources हैं जैसे water है, sun है, forest है, ये सारे हमारे क्या है resources हैं. इनके बारे में इस chapter में हम लोग discuss करेंगे. तो firstly what is resources? Resources होते क्या है? Resources जो है आपके इस power resources या energy. तो हमारे बहुत सारे जो है वर्क है वो रुक जाते हैं. रिसोर्सेज इज समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर ए पर्पस दैट इज यूज टू डू वर्क. एग्जाम्पल ये रिसोर्सेज हैं जिसके साथ से ही किसी के हेल्प से हम और सब सारे काम अपना करते हैं. जैसे सन है, वाटर है, पेट्रोल है, कोल है, क्या है हमारे रिसोर्सेज है. अगर सन नहीं रहते तो क्या आप इलेक्ट्रिसिटी से पूरे दिन पूरे रात तो रह नहीं सकते थे. और भी बहुत सारी चीजें हैं आपका जो नहीं हो पाते. ऐसे वाटर है, वाटर भी एक रिसोर्सेज है. वाटर बॉडी तो बहुत तो अगर नहा गए तो हम क्या हमको जीना मुश्किल हो जाएगा. ऐसे पेट्रोल है, पेट्रोल अगर नहीं रहे इलेक्ट्रिसिटी का तो आप क्या करते हैं? आपकी गाड़ियां कैसे चलती? माना कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियां भी चल रही है, बंद कर रही है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी हमें जरूरत होती है ना पेट्रोल की. पूरे इलेक्ट्रिसिटी भी तो हम डिपेंडेंट है. इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी रिसोर्स है जो वाटर से या विंड से हम पैदा करते हैं, बनाते हैं. सो सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है आवर रिसोर्स. सन जो है बहुत बड़ा सोर्स है हमारे रिसोर्स में. सो रिसोर्सेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्या नेचुरल रिसोर्स है और ह्यूमन मेड. नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जैसे फॉरेस्ट है, रॉक है, वाटर है, सन है, ये सारे हमारे क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज है. दूसरा है मैनमेड रिसोर्सेज. मैनमेड क्या होता है? जो हम बनाते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं आप. बिजली किससे होती है? पानी से या विंड से. जैसे विंड मिल का हमने लिया था, अभी बताया था आपको, स्पिन करके राउंड से जो बिजली पैदा करते हैं उससे. आयरन है, पेपर है, प्लास्टिक है, ये सारे सब चीजें क्या चीज है? ये मैनमेड चीज है. ये सारी रिसोर्सेज जो है जिसका उपयोग हम करते हैं ये सब चीजें मैनमेड द्वारा मानवों के द्वारा बनाई गई है. तो आगे हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. आप समझ गए होंगे नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में वर्णन करके मैं आपको बताऊंगा.